क्या आप जानना चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस का सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है, सबसे लंबा बाब कौन सा है? तो अगर जानना चाहते हैं तो काइंडली वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को पूरा वॉच करें। अभी मैं आपको बताऊंगी कि बाइबल मुकद्दस में सबसे लंबा चैप्टर कौन सा है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले, जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक जीसस इज़ नॉकिंग को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जीसस इज़ नॉकिंग को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बाइबल मुकद्दस में सबसे लंबा चैप्टर जो है वो ज़बूर 119 है। बाइबल मुकद्दस में सबसे लंबा चैप्टर ज़बूर 119 है। कई लोग सोच रहे होंगे नहीं, ये तो ज़बूर है जो सबसे लंबा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो है ये सबसे लंबा चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसकी 176 आयात हैं और 22 बंद हैं, स्टैंजाज हैं, जिसकी वजह से ये सबसे लंबा चैप्टर जो है वो बाइबल मुकद्दस का है। पुराने अहदनामे में भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं, पदाइश खुरूज अहबार गिनती, यानी कि पूरे पुराने अहदनामे में भी कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसमें 176 आयात हों, और नए अहदनामे में भी कोई ऐसी किताब नहीं, कोई ऐसी अंजील नहीं है कि जिसमें 176 आयात हों। लेकिन सिर्फ ज़बूर की किताब में ज़बूर 119 है जिसकी 176 आयात हैं, 22 स्टैंजाज या 22 बंद हैं, जिसकी वजह से ये सबसे लॉन्ग चैप्टर है बाइबल मुकद्दस का। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो अभी कमेंट करें और अपनी राय दें और बताएं कि आपको ये मेरी मालूमात जो मैंने आपको दी है बाइबल मुकद्दस के हवाले से, ये आपको कैसी लगी है। वीडियो को एंड तक देखने का आपका बहुत बहुत थैंक यू। मसीह की बरकतें और रहमतें आप पर बनी रहें। मिलती हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो को बंद करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।